हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन फोरम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की अपडेट है एमओडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आर्मी एम्बार्कशन हेडक्वार्टर मुंबई ने ग्रुप सी की जैसे कि एलडीसी कलरक और दोस्तों एमटीएस सफाई वाला कुक जैसी वैकेंसी निकाली है। काफ़ी बढ़िया वैकेंसी होने वाली है दोस्तों, 50 के आसपास जो है यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। तो दोस्तों, अगर आप 10th पास आउट है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जो फीस है वो बिल्कुल जीरो रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस रिक्रूटमेंट के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, इसका जो ऑफलाइन आवेदन पत्र है यानी कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल करना है, हम इस बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी से लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे आने वाली ऐसी जानकारी सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे ऊपर लिखा हो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सीरियल नंबर के साथ नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज, कैटेगरी, स्केल, पे, एज लिमिट और एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया। तो देखिए, सबसे पहले स्टेनो की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। टोटल 2 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। और दोस्तों, आपका जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 4 का रहेगा। आपकी उम्र दोस्तों 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप 12th पास आउट हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। शिक्षा देखिए दोस्तों, एलडीसी की व्यापार टोटल 13 वैकेंसी निकाली गई है। लेवल 2 का आपका पे स्केल रहेगा। आपकी उम्र दोस्तों 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप 12th पास आउट हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसी के बाद देखिए दोस्तों, टैली कर रख कुक की एमटीएस में सफाई वाला, असिस्टेंट अकाउंटेंट, एमटीएस में वॉचमैन, मैसेंजर, कारपेंटर जैसी वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, ये जो सभी वैकेंसीज है इनके लिए अगर आप 10th पास आउट हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेवल 1 का जो है आपका पे स्केल रहेगा। तो दोस्तों, आप आसानी से वीडियो को पॉज करके सभी वैकेंसीज की पूरी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, सिंपल जो है आपकी उम्र 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। लेकिन दोस्तों, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन बताया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर डिपार्टमेंट के पास लार्ज नंबर यानी कि ज्यादा अधिक आवेदन पहुंचते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो है आपको उसी आधार पर बुलाया जाएगा। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका रिटर्न एग्जाम होगा। इसके बाद दोस्तों आपका स्किल या फिर ट्रेड टेस्ट हो सकता है। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। और दोस्तों, अगर आपका मेडिकल टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो लग जाएगी। अब इसके बाद अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका मैट्रिकुलेशन के और 10th 12th के जितने सर्टिफिकेट्स है वो, इसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपके कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके 2 सेल्फ एड्रेस इनवेलप डालने होंगे जिस पर कम से कम 5 रुपए की स्टाम्प लगी होगी, 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटो। और दोस्तों, अगर आप एक्स-सर्विसमैन है तो आपका एनओसी, आपका डिस्चार्ज बुक, अगर आप एक्स-सर्विसमैन है आपकी डोमोसाइल, आपके आधार कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट जो आपको इसके साथ भेजने होंगे। स्कीम ऑफ एग्जाम की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, केवल 10th लेवल पर जो आपका एग्जाम होगा, इसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी जो कि 1/4 यानी कि 0.25 की जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके बाद अगर लास्ट डेट की बात करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 6 मार्च, यानी कि 6 मार्च से पहले आपका जो एप्लीकेशन लेटर है वो डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। अगर एड्रेस की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये आपका एड्रेस रहेगा। मैं आपको बोल के बता देता हूँ, द कमांडेंट एम्बार्कशन हेडक्वार्टर, 2nd फ्लोर, नव भवन, बिल्डिंग 10R, कमानी मार्ग, बलाड एस्टेट, मुंबई 400001। तो दोस्तों, इस एड्रेस पर जो आपका एप्लीकेशन लेटर लास्ट डेट यानी 6 मार्च से पहले पहुंच जाना चाहिए। इसी के बाद देखिए, पैलेस ऑफ रिटर्न टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट की बताया गया। तो दोस्तों, आपका जो पैलेस रहेगा या जहां पर आपका रिटर्न टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा वो मुंबई में ही होगा। इसके बाद देखिए, आपको जो जनरल कंडीशन दी गई है, जैसे कि डिपार्टमेंट जो है अपनी वैकेंसी को कभी भी घटा सकता है, बढ़ा सकता है, फिर पोस्टपोन कर सकता है। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी इस वैकेंसी से रिलेटेड थी। आई होप कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके एप्लीकेशन फॉर्म की हम बात करते हैं। ये दोस्तों इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, सिर्फ 1 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना जो एप्लीकेशन लेटर है उसे बिल्कुल आसानी से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल करना है, हम उस बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्मेट। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, आपकी फोटो रिसेंट होनी चाहिए और क्लर्ड होनी चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर यानी आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एलडीसी के लिए, सफाई वाला के लिए, कुक के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उस पोस्ट का नाम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आपको अपना नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम, आपकी डीओबी, दोस्तों आपकी जो डीओबी है बिल्कुल सही होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स मैच होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, इसका जो प्रूफ है यानी कि आपकी जो दसवीं सर्टिफिकेट है वो भी आपको इसके साथ लगानी होगी। आपकी उम्र यानी कि 6 मार्च को आप कितने ईयर्स होंगे,
कितने मंथ्स के होंगे, कितने डेज के होंगे, जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने 10वीं बारी प्लस टू डिग्री डिप्लोमा जो भी किया है, साथ ही यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी का नाम लिखना है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और दोस्तों यहाँ पर आपको उस कैटेगरी का नाम लिखना है जिस कैटेगरी से आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये सभी जानकारी डालने के बाद इसके बाद देखिए आगे चलकर आपके एड्रेस के बारे में पूछा गया है। तो सिंपली मैं आपको बता दूं, दो एड्रेस यहाँ पर पूछे गए, कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अगर आपके पास दो एड्रेस है तो दोनों अलग अलग लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों सेम एड्रेस भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन दी गई, ये डिक्लेरेशन आपको पढ़ लेनी है दोस्तों। डिक्लेरेशन बिल्कुल आसान है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे, यहाँ पर आपको डेट और पैलेस लिखे हैं दोस्तों। डेट और पैलेस यानी जिस डेट को आप फिल कर रहे हैं और जिस पैलेस से आप फिल कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। आपके सिग्नेचर यहाँ पर करने हैं दोस्तों, आप रेगुलर जो सिग्नेचर करते हैं वही सिग्नेचर आपको यहाँ पर करने होंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप अपना फॉर्म बिल्कुल आसानी से बगैर किसी परेशानी के भर सकते हैं और डिपार्टमेंट के पास भेज सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाले ऐसी जानकारी सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।